दोनों तरफ से। अब जब अगर चीन ने अपनी तरफ डिप्लॉयमेंट और हैवी किया है तो हिंदुस्तान को तो फिर वक्त की नजाकत के हिसाब से अपने आप को तैयार करना ही था। मिरर डिप्लॉयमेंट जैसा है, किसके पास क्या हथियार है, कौन अभी 21 नजर आ रहा है आई। और भारत शातिर ड्रैगन को सीधी चुनौती देने के लिए तैयार है। भारतीय नौसेना का नया मिशन साउथ चाइना सी शुरू होने वाला है और 2 महीनों तक नौसेना के 4 घातक युद्धपोत साउथ चाइना सी में अपनी ताकत दिखाने। अपनी नापाक चालों और साजिशों के बलबूते जो चीन पूरी दुनिया में अपनी ताकत का दम भरता है, उसके घर में चुनौती देने की भारत ने तैयारी कर ली है। भारतीय नौसेना ने अपने 4 घातक युद्धपोतों को ड्रैगन के अड्डे साउथ चाइना सी भेजने का ऐलान कर दिया है। LAC पर टेंशन के लिए भारत को जिम्मेदार ठहराया। बड़ी खबर, भारत LAC पर सेना बढ़ा रहा है, चीन ने ये कहा। चीन की सीमा में घुस रहा है भारत, चीनी विदेश मंत्री ने ये कहा। चीन की सीमा में घुसपैठ बर्दाश्त नहीं, चीनी विदेश मंत्री ने यह कहा। यह बड़ी खबर हम आपको दिखाने, जरा ध्यान से देखें चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने क्या कहा। LAC पर तनाव के लिए भारत जिम्मेदार, लीजिए झूठ। नेक्स्ट चेंज करें इसको बड़ा तेजी से। भारत ने LAC पर सेना की डिप्लॉयमेंट बढ़ाई, नेक्स्ट चेंज करें। भारत ने चीन के इलाकों पर कब्जा किया, नेक्स्ट। LAC जहां पर यह तनाव है आप समझते हैं ना, LOC लाइन ऑफ कंट्रोल पाकिस्तान के साथ, LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल चाइना के साथ, इसको कई सेक्टर्स में बांटा गया है। ईस्टर्न सेक्टर जो कि अरुणाचल की तरफ है, मिडिल सेक्टर जो कि उत्तराखंड से लगा हुआ इलाका और उधर जाता है डेमचौक तक, और उसके बाद वेस्टर्न सेक्टर। एक क्विक रिव्यू इसका करते हैं, जल्दी से समझते हैं कहां कहां पे प्रॉब्लम है। करूंगा क्या, इधर जब बातचीत चल रही है उधर भी आप देख रहे हैं लगातार जहां के उसकी एयर स्ट्रिप थी वो एयरपोर्ट बना रहा है, एयरपोर्ट को और अत्याधुनिक कर रहा है, सिविल को ऐसा कर रहा है कि उसका डुअल इस्तेमाल हो सके। एक्चुअली चीजें किधर जा रही है। और युद्धाभ्यास में फिर खुली चीन की एयरफोर्स की पोल, जिया नाइट ट्रेनिंग एक्सरसाइज में क्रैश हुआ चीन का प्लेन। गुआंगडोंग के एयरबेस पर यह प्लेन क्रैश हुआ है, खबर आ रही है चीन का प्लेन क्रैश हुआ है। और